हेलो एवरीवन, आज मुझे एक गिफ्ट मिला है। ये मिंत्रा का पार्सल है। मैं इसे ओपन करके देखूंगी कि इसमें क्या निकलता है। सोचा आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूं। तो डिब्बा मैंने बाहर निकाल लिया है, इसे भी ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या निकलता है। वाओ, इसमें चॉपर निकला है। इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। कई बार लाइट चली जाती है तो हम कोई सब्जी चॉप करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। लाइट नहीं हो तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। ये इसके ब्लेड हैं और ये ब्लेड का कवर है। ब्लेड को फिट करने के लिए नीचे एक पॉइंट दे रखा है, उसमें हम ब्लेड को फिट कर देंगे। सबसे पहले मैं लहसुन चॉप करके देखूंगी कि लहसुन चॉप होते हैं कि नहीं। ये देखिए, लहसुन चॉप हो गए। इसमें एक थ्रेड है जिसको खींचना पड़ता है और लहसुन आराम से चॉप हो गए। अब इसका ब्लेड बाहर निकाल देंगे और जो साथ में ढक्कन है ना, वो लगा के इसे हम डायरेक्ट फ्रिज में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। कोई दूसरा बर्तन हमें नहीं लेना पड़ेगा। जो भी सब्जी हम चॉप करें इसी में ढक्कन लगा के छोड़ सकते हैं। ये ब्लेड का कवर है। कई बार हम ब्लेड को ऐसे ही रख देते हैं तो वो हाथ में लग सकता है, लेकिन कवर के साथ रखेंगे तो हाथ में नहीं लगेगा। अब इसमें हरी मिर्च चॉप करके देखेंगे। कुछ सेकंड में ही हरी मिर्च भी अच्छे से चॉप हो गई है। अब इसमें प्याज डाल दूंगी और प्याज को चॉप करेंगे। प्याज ब्लेड में फंस गए हैं। हो सकता है मैंने शायद थोड़े से बड़े टुकड़े काट लिए होंगे। थोड़ा सा मैं ब्लेड के साइड से हटा दूंगी। प्याज भी अच्छे से चॉप हो गए। मुझे तो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट लगा। कोई भी सब्जी हम आसानी से इसमें चॉप कर सकते हैं। ये मिल्टन का है और मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने दिया है। थैंक यू बहन फॉर यूजफुल गिफ्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।